हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लकी शॉप फूड ब्लॉग। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो बारिश का सीज़न चल रहा है, तो आज हम नई वैरायटी के ब्रेड पकोड़े बनाने जा रहे हैं। बहुत ही क्रिस्पी, कुरकुरे, स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट। तो देखिए, इसके लिए हम सबसे पहले एक कटोरी बेसन लेंगे। इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर मिक्स करेंगे, नमक मिक्स करेंगे, स्वादानुसार हल्दी मिक्स करेंगे और जीरा। जीरा मिक्स करने के बाद में हम इसमें थोड़ी सी हींग डालेंगे, डाइजेशन के लिए अच्छी होती है, खुशबू भी अच्छी देती है। उसके बाद में गरम मसाला। तो इन सब मसालों को डालने के बाद में हम बेसन में इनको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और मिक्स करने के बाद में हम इसका बैटर तैयार करेंगे। तो देखिए, इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे और इसका बैटर तैयार करेंगे। तो अच्छी तरह से आपको मिलाना है, हिलाना है, ताकि ये मसाले बेसन में, बेसन के घोल में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। उसके बाद में हरा धनिया कटा हुआ और हरी मिर्च, तो देखिए चॉप की भी हरी मिर्च और हरा धनिया हमने इसके अंदर मिक्स कर रहे हैं। अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। तो ये ब्रेड पकौड़े के लिए बैटर तैयार हो चुका है। और आज जो हम ब्रेड पकौड़ा बनाने जा रहे हैं वो बहुत ही खास, अलग ही वैरायटी का बनाने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले ब्रेड को अपनी पसंद के आकार में आप काट लें। हमने इसको, इनको वर्टिकली काटा है, तो इस तरह से हमने वर्टिकली काटा। उसके बाद फ्राइंग पैन में आप तेल डालेंगे, गरम करेंगे और ये जो ब्रेड्स के पीसेस आपने कट किए हैं इनको बेसन के घोल में डुबो के आप इनको फ्राई करेंगे। तो ये हमने अलग वेराइटी के ब्रेड पकौड़ियाँ तैयार होने जा रहे हैं। काफ़ी क्रिस्पी होते हैं, टेस्टी भी होते हैं और काफ़ी सॉफ्ट तो होते ही हैं। तो ये आपको काफ़ी पसंद आएंगे और इनको आप चाय के साथ सर्व कर सकते हैं, टमाटर सॉस के साथ में सर्व कर सकते हैं और धनिए की चटनी के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ ब्रेड पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। और आज ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो देखिए, यहाँ हम टमाटो सॉस के साथ में इनको सर्व कर रहे हैं। और आप टमाटो सॉस के साथ में आप हरे धनिए की चटनी, आप चाहे तो हरे धनिए की चटनी के साथ भी इनको सर्व कर सकते हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।